दोस्तों सुजुकी भी यहाँ पे ला रही है, सुजुकी बर्गम का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाली, आपको बता दें बजाज चेतक को यहाँ पे टक्कर देने के लिए आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की डिमांड तेज़ी से बढ़ रहा है, खास करके दो पहिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे दोस्तों अब जापानी कंपनी निर्माता यानी सुजुकी भी यहाँ पे मार्केट में अपना बर्गमैन स्कूटर को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर लिया है। हालांकि स्कूटर टेस्टिंग के दौरान अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे माने मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों स्कूटर के दो प्रोटोटाइप को दिल्ली NCR में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि देखने में स्कूटर काफ़ी हद तक रेगुलर बर्गम जैसा है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह है दोस्तों कि इसमें एग्जॉस्ट साइलेंसर दिया गया है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सुजुकी ने साल 2018 में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम करना शुरू किया था। हालांकि यह जानकारी दी गई है कंपनी बर्गमैन के इलेक्ट्रिक अवतार के रूप में। आपको बता दें दोस्तों इस पे कई सारे नए नए फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको इसमें LED हेडलैम्प मिल जाएगा, LED टेल लाइट मिल जाएगा और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ब्लूटूथ और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दिया गया है। वहीं स्कूटर में दोस्तों कुछ महीने पहले सुजुकी कनेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में था, लेकिन इसमें बता दें दोस्तों और भी इसमें जिसमें कि WhatsApp, SMS, कॉल, अलर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। आगे इसमें बात करते हैं तो बैटरी और पावर का। हालांकि अभी इस स्कूटर में बैटरी या पावर ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना गया कि कंपनी इसमें 3 से 4 किलोवाट की क्षमता का बैटरी पैक कर दिया है। जहां तक ड्राइविंग रेंज की बात करें तो यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 80 से 90 किलोमीटर तक का सफ़र करेगी। इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड जो है दोस्तों वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि लॉन्च से पहले कीमत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे 1 लाख से कम में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। ये सुजुकी की आपका बहुत ही बढ़िया कंपनी आपका है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है ये स्कूटी आने के बाद सेलिंग हो पाएगा, क्योंकि मॉडल काफ़ी अच्छा और काफ़ी आकर्षक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्कूटी या बाइक के बारे में चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।